परम सत्कार योग साध संगत जी सारे गज के आखो धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी। साध संगत जी श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी जी अपरंपार बख्शिशा सारिया ते ने, तो उन्हों का कोई भी किसी ने अंत नहीं पाया गा। तो श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी ने अपने सिख नूं किस रूप में दर्शन देने हन ये कोई नहीं जानता। तो श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी इन्ने बख्शिशा करते कि इन्नी खुशी होंदी सी। एक सिख तो एक सतगुरु की प्रेम वाला प्रेम जिहड़ा हुंदा है, प्रेम की तार जिहड़ी है वह बहुत वड्डी हुंदी है, उसनू कोई भी नहीं जान सकदा गा। वो एक सिर्फ सिख तो सतगुर ही जानते हैं कि किन्नी कु खिच हुंदी है। तो श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी सानू सुरजन सिंह उस्ताद दीआं गुड्डियां करके जाते सन, तो जदों भी इत्थे आउंदे रामपुरे आउंदे उन्होंने कहना भी असी जीवन नगर जाना है, कोई सुनेहा देना तो दे दिओ। तो असी आखना सच पातशाह जी ठीक ठाक है। उन्होंने जाके जीवन नगर जाना, जाके घर अगे हारन मार के साडी माता नूं बुलाना, तो माता नूं बुला के कहना भी तेरी गुड्डी कोले रामपुरे वाली कोले जाके आए हैं, तो सारे ठीक ठाक है। तो माता साडी ने कहना भी अंदर आ जाओ सच पातशाह जी चरण पाओ, कहिंदे नहीं बस तैनूं सुनेहा ही देना है। तो सुनेहा दे दिता, सारियां गुड्डियां ठीक है। तो सच पातशाह जी इन्ना प्यार करते सीगे बहुत ज़्यादा। जो सच श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी का शरीर शांत होया उस वक्त बहुत ही संगत दे उत्ते नेर झुलिया होया सीगा। वो घड़ी सी जिहड़ी वह वेखी नहीं सी जांदी गी, बहुत रोंदे सीगे। तो जो पता लग्या तो सच पातशाह जी की तस्वीर को जाके मैं बहुत रोई, वो इन्ना रोई कि सच पातशाह जी तुसीं सानू छड के चले गए हो, असीं हुण की करांगे। तो सच पातशाह जी सारे रोंदे रहे, सारी रात कढ़ी, ना कुछ खादा गया ना पीता गया। सवेरे दिन चढ़िया सच पातशाह जी कोल जाना सी, उत्थे भैणी साहब, भैणी साहब सवेरे गए उत्थे, बड़ियां वड्डियां वड्डियां लाइनां लगियां होईयां सन, तो जाके लाइनां दे विच खड़ गए। जदों लाइनां च खड़े तो काफ़ी टाइम लग गया, लंबियां लाइनां सीगियां, टाइम ना मिलिया सानू दर्शन करन दा। तो जो एडिया लंबियां लाइनां दे विच लोग कोई किवें लंघ गया, कोई किवें लंघ गया, असीं लाइनां च खड़े रह गए, सानू दर्शन ना होए। तो सच पातशाह जी नूं प्रताप मंदिर चों लै गए उधर नूं सरोवर वल। असीं मैं बहुत रोई, इन्ना रोई मैं आखे सच्चा पातशाह मेरे च की कमी रह गई है, जिहड़े मैनूं तुसीं दर्शन नहीं दित्ते गए। मैं दर्शन करन आई सीगी पर सानू दर्शन नहीं होए। उस वक्त उत्थों फिर असीं शाम नूं वापस घर आए, जो घर आ के बहुत रोए, कुछ ना चंगा लगे। दो दिन इस तरह कढ़िया रोंदी ने, एक कविता भी लिखी भी सच पातशाह जी दे वियोग विच लिखियां कविता जिहड़ियां। फिर दो दिन बाद फिर सुपने दे विच सच पातशाह जी सतगुरु जगजीत सिंह जी एक वड्डी सारी थां है उत्थे मंजे ते पए आ, कोले सारी संगत उन्होंने कोल खड़े आ, तो माता जी भी ने आसे पासे सारी संगत पर खड़ी है, तो उत्थे रस्से लगे हुए तो अगे जान नहीं देंदे किसी नूं भी। तो मैं उत्थे खड़ी रोई जानी हाँ, तो मैं बस यही सच्चा पातशाह मैनू दर्शन दिओ, मैं दर्शन तो वांझी रह गई हाँ, मैनू दर्शन दिओ। फिर उत्थों माता जी उठ के आए आ, माता जी उठ के आ के तो मैं मेरी बाँह फड़ के मैनू कहिंदे तू रो ना, तू रोई जानी हाँ, किन्ने दिन हो गए तेनों, तो तेनों चल मैं दर्शन करानी हाँ सच पातशाह जी दे। फिर वह मैनू सच पातशाह जी को लै गए। जो सच पातशाह जी के चरणों पर जाके मैं मत्था टेकया तो मैं बड़ा रोई रोई, तो मैं सच्चा पातशाह मेरे च की कमियां रह गई सन, तो तुसीं मेरे नाल इदां क्यों कीता। तो सारे ने मैनू फड़ के पासे कर दिता। फिर मैं उतों का उतों वापस जो आई फिर मेरा मन शांत हो गया, नहीं जिहड़ी अंदर इन्नी तड़फना लगी हुई सी वह मेरा मन टेक गया। मैनू फिर दूजे दिन सच पातशाह जी फिर सुपने दे विच आ के कहिंदे तू रोंदी सी ना इन्ना, तो तेनू वेख दर्शन हो गए, तू हुण रोया ना कर, तो तू नितनेम करिया कर, तो सच पातशाह जी नू सच पातशाह जी के चरणा च अरदास करिया कर। तो इस तरह ही सच पातशाह जी ने दर्शन दिते, फिर मन शांत होया, तो सतगुरु जगजीत सिंह जी कृपा की, इस तरह ही करते रहे तो दर्शनों की दात देंदे रहे। सत श्री साध संगत जी सारे गज के आखो धन श्री सतगुरु राम सिंह जी। श्री सतगुरु राम सिंह जी आप अरदास करते हैं, श्री सतगुरु राम सिंह जी जिन्हें जम तो लिया छड़ाए, वो सानू हर वेले जो भी आप ना लें आप जमा तो छड़ाते हैं। एक बार पता की होया, साढ़े किराए तो कोई रेंदे सीगे पंडित सीगे, तो उन्हों की कुड़ी
पता नहीं की हो गया, बाहरों आई तो उन्हें अंदर बैठी लेटी जाए तो पता ही नहीं गुम हो गई, पहला लेटी गई फिर वह गुम हो गई। वो माता भी बड़ा रोई, वो भैन भी बड़ा रोई, तो रोई गई तो फिर वो जी छोटी भैन सी ना तो फटाफट मेरे को आई थले तो मैनू कहती आंटी आंटी पता नहीं मेरी दीदी नू की हो गया है तो तुसी छेती चलो मेरे नाल। तो जदों मैं गई उपर देखा तो रोई सारे रोई जान तो उन्होंने कोई होश नहीं हैगी, तो हाथ पैर वो मुड़े हुए तो पीली हुई पई तो मैं आखी जमा पता नहीं की होया इनू इस कुड़ी नू। तो मैं कहनी नितनेम करो तुसी सारे जाने, तो वह कहती है आपदे माता दे नाम लैन लग पे आपदे पीरां दे जो भी जिथे भी कोई मन्नदे सी उत्थे मत्था टेकन लग पे सारे वह उच्ची उच्ची रोण ला रोई भी जान तो मत्था भी टेकी जान त्याई जान आपदे देवी देवत्यां नू। तो मैनू एकदम की होया मैं आख्या मैं सारे फटाफट ना तुसी ऐ करो कहो धन सतगुरु राम सिंह जी, वो भी सारे नाल कहन लग पे धन सतगुरु राम सिंह जी। मैं फिर कही जमा कवो धन सतगुरु राम सिंह जी जोर जोर दी कवो सारे कवो, वो जिमें जिमें असी जोर दी कही जाइए जिमें जिमें वो करी मैं सतगुरु राम सिंह जी का नाँ ले जाइए तो वह कुड़ी नू होश होने लग पी। जदों वो कुड़ी नू होश होने लग पी तो सारे जिन्ने वो भरा भी बैठा सी वो भैन भी बैठी सी वो माता भी बैठे सके वो फटा वो हाथ फड़ के तो कहिंदे ने सारे बोलो धन सतगुरु राम सिंह जी धन सतगुरु राम सिंह जी धन। असी अद्धा घंटा इस तरह ही उस कुड़ी दे कोल बैठे धन सतगुरु राम सिंह जी कहिंदे रहे। तो जदों उन्हें कुड़ी नू पूरी होश आ गई ना तो फिर असी उठे मैं आख्या तुसी इहनू ऐ करो भी सतगुरु राम सिंह जी कही चलो जे कोई माड़ा जिहा भी रह गया कमी पेशी तो ठीक हो जाएगी, ये साढ़े सच्चे पातशाह जी इन्हां चीज़ों तो बचाते आपां नू। वह कहिंदे भी इहनू कसर हो गई है तो वह जदों इवें कहिंदे रहे तो कुड़ी ठीक हो गई। वो छां अगले दिन पता नहीं दूजे अगले दिन ही ना वो किसी पंडित को लेके गए उस कुड़ी नू, जदों उन्हूं दिखाया तो उन्हूं दस्या उन्होंने भी इदा हो गई से, वो कहिंदे भी इनू तो कोई ओपरी चीज़ आ चंबड़ गई सी। आखिर तुसी किहदे को लेके गए से, कहिंदे असी लैके तो किसी नहीं सी गए साडे मकान मालक ने ना सानू आ पाठ कराया सीगा भी इन्हां दा नाम ले चलो तो ठीक हो जाएंगे। तो वह कहिंदे बहुत शक्ति वाले बाबा जी ने जिन्हां दा तुसी नाम लिया है ते जिन्हां दा तुसी एक वरी भी ना लोगे ते जम की कोई चीज़ नेड़े आ ही नहीं सकती। वो कुड़ी अज भी ठीक है, अज हुण उहने बीए बी कॉम कर दी पई है ते कुड़ी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई वह मुड़ के वह नहीं होया गा। तो सच पातशाह जी बहुत कृपा करते ने सारी साध संगत ते भी इन चीज़ा ये चीज़ा नेड़े नहीं आदि जिन्ना आप सतगुर के चरणों में लगे रहेंगे तो सच पातशाह जी उन्निया ही बख्शा करते रहेंगे। सत श्री अकाल। Thank you.